शर्म की बात है, उस मुखिया को शर्म आना चाहिए। शर्म की बात है आज बच्चे जिस दर्द से गुजरे हैं, लिए आप मजबूर मत कीजिए। और जो बच्चे हमारे घर में भूखे मर रहे हैं उनके बारे में सोचिए। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल में पिछले 72 दिनों से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। इस बीच आज बूढ़ा तालाब धरना स्थल में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजनों ने आज अपना मुंडन कराते हुए अनुकंपा नियुक्ति की मांग की। इस दौरान विधवा महिलाओं ने भी अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं कांग्रेस सरकार से जल्द ही फैसला लेने के लिए कहा है। वादा करके वादा खिलाफी, ऐसा आरोप यहां पर प्रदर्शन कर रही विधवा महिलाओं ने लगाया है, जो लगातार शिक्षक कर्मी अनुकंपा संघ की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। आज एक खास तरीके से प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं कांग्रेस सरकार को जगाने का प्रयास वह कर रही है। उनका आरोप है कि वह लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अब तक उनकी मांगे नहीं सुनी गई है। आइए जानते कि आज क्या प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है और कैसे वह इस प्रदर्शन के माध्यम से जगाने का प्रयास कर रही है। मुंडन कराने के लिए बैठा हूँ। तो कैसा लग रहा है, लगातार आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अब आप मुंडन कराने जा रहे हैं, क्या मांग? हमारा एक सूत्रीय मांग है अनुकंपा नियुक्ति, और जब तक का हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। आज तो हमारे द्वारा मुंडन का कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके पश्चात हमारे माताएं बहनें सभी के द्वारा मुंडन का कार्यक्रम किया जाएगा, अगर हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं होती है तो। अब तक कितने लोगों ने मुंडन करा लिया है? आप दिखा सकते हैं, इधर हमारे भाइयों ने सभी ने मुंडन कार्य संपन्न करा लिए हैं, उसके पश्चात मैं हूँ और हमारे बंधु भर इधर भी हैं, उसके द्वारा भी मुंडन का कार्यक्रम किया जाएगा। आज मुंडन प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को अवगत करा रहे हैं। बार बार लगातार प्रदर्शन करके आज 72 दिन हो गए हैं। 72 दिन में हम लोग सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको न्याय नहीं मिला है। और सत्ता में आने से पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जैसे ही मेरी सरकार आ जाएगी मैं जितने भी पेंडिंग केस है सिविलियन के पूर्व वालों का अनुकंपा नियुक्ति दे दूंगा, लेकिन आज अपनी बहू बेटी को सड़क पर बिठाने के लिए मजबूर कर दिए। आज अनुकंपा संघ के कुछ भाई और बच्चों का यहाँ पर मुंडन प्रदर्शन किया जा रहा है और हमारी मांग अगर तत्काल पूर्ण नहीं की गई तो सारी विधवाएं मुंडन कराने के लिए बाध्य होगी। और ये सरकार के लिए, छत्तीसगढ़ सरकार के लिए बहुत शर्म की बात होगी कि वह अपनी बहू बेटी को इस तरह से करने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि बाल स्त्रियों का गहना होता है और सम्मान होता है। तो हमारा सम्मान मुख्यमंत्री जी ना खोइए और आप अपनी बहू बेटी के को सम्मान करते हुए अनुकंपा नियुक्ति दे दीजिए, नहीं तो फिर महिलाएं मुंडन कराने के लिए बाध्य हो जाएंगी। कहते हैं कि हर पिता का बात उनका पुत्र मानता है। आप लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल से भी इस सिलसिले में मुलाकात की थी, क्या हुआ? वो बोले हैं कि बात करेंगे, अभी कहाँ बाहर गए हुए हैं, उसके बाद में बात करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोगों को न्याय मिले, इस तरीके से उन्होंने बात करी है। और सर देखिए, लगातार तो हम 4 साल से बात भी कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं और आश्वासन ही मिल रहा है, तो महिलाएं क्या करेगी? उग्र तो होने पर सरकार ही मजबूर कर रही है। भाई एक अनुकंपा नियुक्ति संवेदनशील मामला है और यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार को बोला जाता है कि संवेदनशील है, तो अपनी संवेदनशीलता दिखाए ना, अपनी बहू बेटी के साथ दे दे जल्दी से अनुकंपा नियुक्ति। किसी को शौक नहीं है यहाँ सड़क पर बैठ के यहाँ पर प्रदर्शन करने का। और एक बात और बोलना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप संवेदनशील है तो आप तत्काल आदेश जारी करिए, नहीं तो फिर हम लोग जो करने वाले हैं, मैं स्पष्ट बोल रही हूँ कि आप अपनी बहू बेटी को हंसते हंसते घर विदा कीजिए, इस तरह से सड़क पर बिठाकर मुंडन कराने के लिए आप मजबूर मत कीजिए। और जो बच्चे हमारे घर में भूखे मर रहे हैं उनके बारे में सोचिए कि उनके पिता के जाने से भूखे मर रहे हैं, और जब माँ यहाँ बैठी है तो किस तरह से उनका हाल हो रहा होगा, ये भी बताना चाहूँगी मैं। सत्ता में आने से पहले तो कह दिए हैं, वो उस वादे को 4 साल हो गए, हम लोग को घुमा रहे हैं 4 साल, सिर्फ नियम कायदा और कानून का हवाला देते हैं। क्या नियम कायदा कानून उसी के हाथ में तो है कि नहीं? कायदा कानून उन्हीं के पास में, यहाँ पे जमीन पे सो रहे हैं। कल बहुत बड़ा बिस्तरेला सांप निकला था, आज किसी को कुछ हो जाता तो मौत को लेना चाहते हैं तो मौत ही को ले ले।
हमारी, परंतु एक सूत्री मांग अनुकंपा नियुक्ति अगर नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और हमारी जो पहले घर में बुजुर्ग थे, वो हमारे घर के मुखिया थे, उनके जाने से कितना दुख हुआ। उसी समय मुंडन कराए बच्चे लोग, किसी का पापा है, किसी का पति है, किसी का भाई है, आज भी वही दिन देखना पड़ रहा है। बहुत शर्म की बात है, ये छत्तीसगढ़ शासन में यहाँ मुंडन हो रहे हैं, वो बहुत शर्म की बात है। उस मुखिया को शर्म आना चाहिए, और शर्म की बात है आज बच्चे जिस दर्द से गुजरे हैं, आज उसी दर्द को याद दिला दिए बच्चे लोग को, कैसी शर्म की बात नहीं है। आज उनके घर में होते तो वो क्या करता, और आज उसके बहू और बेटी, हम ही तो छत्तीसगढ़ के बहू और बेटी हैं, आज उसके घर में अगर उन्हीं के परिवार में किसी बेटे और बहू के होते तो आज यहीं पर वही सड़क में होता क्या? किसी विधायक की पत्नी खत्म हो, विधायक खत्म हो जाता है, तुरंत उनके लिए अनुकंपा नियुक्ति है, और हम लोग क्या बिगाड़ डाले हैं उनका, हम ही लोग के लिए क्या नियम और कायदा कानून है, ये सरकार कैसे झूठला रहे हैं हमको, बहुत शर्म की बात है। आपने मुंडन करा लिया? हाँ, मैं करवा लिया। तो अब क्या मांग है? मुंडन तो करा लिया है, लगातार मुंडन कराने के लिए कई साथी आपके बैठे हुए हैं। ये तो मुंडन करवाने की ये चेतावनी है सर जी कि हम लोगों का जल्द मांग पूरी नहीं की जाती, तो हम तो सीधे लाइन में दे, प्रांत अध्यक्ष हमारे माधुरी मृगे जी बता दिए हैं कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए जल्द आदेश जारी नहीं किया जाता तो हम लोग सामूहिक मुंडन किया जाएगा। हम लोग अपने पिता को खोए हैं, और पिता के खोने के बाद इतना आर्थिक स्थिति गुजर गया है कि हम लोग यहाँ पर आंदोलन किए हैं। और अनुकंपा नियुक्ति का मतलब सर जी दया निष्ठा होता है, वो तो घर बैठे अनुकंपा नियुक्ति मिल जाता है, लेकिन हम लोग अनुकंपा नियुक्ति के लिए संघर्ष लड़ रहे हैं। और हम लोगों को आज भी पूरा पूर्ण भरोसा है, सरकार को चेतावनी दी है कि हम लड़के लोग हैं तो मुंडन करवा रहे हैं, यदि हम लोगों का मांग पूरी नहीं की जाती तो छत्तीसगढ़ में यह शर्म की बात होगी सरकार के लिए कि हमारे माता बहनें सामूहिक रूप से महिला मुंडन किया जाएगा। आगे क्या प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद भी सरकार जाग रही है? अब वही है सर, हम लोगों का सामूहिक रूप से मुंडन, महिला मुंडन किया जाएगा। आपका क्या? हमारे लिए तो एक बड़ा दुख का विषय है। मैं 2007 से जो है अपने अधिकार के लिए मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला है। और मुंडन जो है अपने पिता के खोने के बाद कराया जाता है, एक प्रदर्शन है, लेकिन एक प्रदर्शन का इसको जरिया नहीं बोला जा सकता, क्योंकि अपने अधिकार के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं, पर हमें बहुत दुखी हो रहा है। बड़े दुख की बात होती है कि कोई मुंडन कराए, मुंडन दरअसल किसी रिश्तेदार के खो जाने पर, पिता के खो जाने पर कराया जाता है, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे, यहाँ प्रदर्शन कर रही महिलाओं एवं उनके साथ देने वाले लोगों ने आज मुंडन कराया है, जल्द से जल्द उन्हें योग्यता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। वह कह रहे हैं कि वह तमाम तरीके से प्रदर्शन करके अब थक चुके हैं, वह छत्तीसगढ़ की बहू बेटी हैं, यदि उनकी मांगे नहीं सुनी जाती तो वह छत्तीसगढ़ के लिए बड़े शर्म की बात है। वह कह रहे हैं कि यदि आज हमारे साथ बैठने वाले लोगों ने मुंडन कराया है, यदि जल्द से जल्द उन्हें अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाती है तो वह भी मुंडन कराने के लिए बाध्य होगी। कैमरामैन शुभम साहू के साथ हरीश साहू, बुल छत्तीसगढ़।